हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केतन चिरपड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट मैं आपके लाया हूँ जिसे आज हम करेंगे अनबॉक्स, तो फ्रेंड्स ये है एक मिडी कंट्रोलर। तो ये रहा इसका बॉक्स, जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स ये है अकाई कंपनी का मिडी कंट्रोलर। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, साथ ही आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम करते इस वीडियो को स्टार्ट। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अकाई का मिडी कंट्रोलर। सबसे पहले अगर हम बात करें इस बॉक्स की, जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये रहा हमारा बॉक्स, और सब अगर हम बात करें इसके MRP की, तो इसकी जो MRP इस पे लिखी गई है ये है 10,940 रुपीज़। पर फ्रेंड्स, ये जो मिडी कंट्रोलर है ये मैंने अमेजन से ख़रीदा है और मुझे बहुत ही अच्छी डील मिल गई थी, तो इसलिए ये मुझे 7,200 रुपीज़ का मिला अमेजन से। अगर आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें इस बॉक्स की, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको जो है बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें हमें मिलता है मिडी कंट्रोलर, उसके बाद साथ में हमें दिए गए एक USB केबल, हमें एक यूज़र गाइड मिलता है, और साथ ही आपको सेफ्टी और एक वारंटी मैनुअल भी मिलता है, और साथ ही आपको इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलते हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं जो कि है अकाई का प्रो MPC एसेंशियल हाइब्रिड 3, सोनी वॉक्स वोबल और MPK मिनी मिडी। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको इसके साथ मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रहे उनके जो डायग्राम्स बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के, ये रहा अपने MPC एसेंशियल, ये रहा हाइब्रिड 3 जो हमें मिलता है इसके साथ फ्री में, वोबल और MPK मिनी मिडी एडिटर। तो ये सारे जो चार सॉफ्टवेयर है आपको इस बॉक्स के साथ मिलते हैं, मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, और उसके बाद इसमें जो रजिस्ट्रेशन कोड है आप उससे रजिस्टर हो सकते हैं इन सॉफ्टवेयर पर। तो अगर हम बात करें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो फ्रेंड्स ये जो है मैकिंटोश और जो PC दोनों में काम कर सकता है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होने चाहिए आपके सिस्टम की वो दी गई है, तो ये बहुत ही आसानी से आपके PC या फिर जो मैक है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये रहा हमारा मिडी कंट्रोलर विथ पैड कंट्रोलर्स। तो इसमें आपको जो है कीबोर्ड के साथ पैड्स भी दिए गए हैं, तो मैं सबसे पहले इससे निकालता हूँ बॉक्स से। तो फ्रेंड्स, साथ ही जैसे कि आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर जो है मिल जाता है एक दूसरी पॉलिथीन, जिसमें कि हमें दिए गए हैं कुछ पेपर्स, तो मैं ये निकाल देता हूँ। जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये रही हमारी केबल जो हमें मिलती है इसके साथ, और साथ ही इसमें हमें दिए गए हैं कुछ पेपर वर्क, और साथ ही इसमें वारंटी कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको इसमें मिल जाएगा, और ये रही हमारी USB केबल। तो अब मैं इसको साइड में रखता हूँ। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अकाई का मिडी कंट्रोलर, जो कि हमें पैड कंट्रोलर्स भी इसमें साथ में दिए जाते हैं। तो मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ, फिर थर्माकोल को रख करता हूँ मैं साइड में, उसके बाद मैं इसे पॉलीथीन से निकाल लेता हूँ। तो जैसे आप इसको फ्रेंड्स पॉलीथीन से निकालते हैं, तो जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि ये रहा हमारा मिडी कंट्रोलर, और ये जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि जो साइज़ है बहुत ही छोटा है, मतलब कि आप इसको एक A4 फुल साइज़ की जो कॉपी या फिर जो नोटबुक्स आती है उसके जैसे इसका साइज़ है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स का वेट का, तो ये काफ़ी भारी नहीं है, मतलब लाइट वेट है। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये इसका हैवी वेट होगा, पर जब इसको हाथ में पकड़ूंगे तब पता चलेगा फ्रेंड्स कि ये लाइट वेट है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि पूरा प्लास्टिक बॉडी है, और फ्रेंड्स ये हैवी प्लास्टिक बॉडी, पर इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब स्टर्डी लगता है। आप जैसे इसको टच करेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आती है कि ये बहुत ही अच्छा सा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और अगर बात करूँ फ्रेंड्स मैं इसके कलर की, तो ये है ब्लैक एंड रेड कलर, इसमें आपको वाइट और ब्लैक भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस कंट्रोलर की, तो इसमें जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें मिल जाता है जॉयस्टिक, जो कि है 4-way जॉयस्टिक, जो कि हमें पिच को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर RPGator मिल जाएगा ऑन ऑफ करने का, साथ ही आपको यहाँ पे ऑक्टेव अप ऑक्टेव डाउन का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। फुल लेवल की एक बटन दी गई है, साथ ही नोट रिपीट की भी यहाँ पे बटन दी गई है। और फ्रेंड्स ये रहे हमारे जो है 8 वेलोसिटी सेंसिटिव पैड्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो फ्रेंड्स जो पैड हैं हमारे, ये है बैकलिट और ये वेलोसिटी सेंसिटिव है। साथ ही यहाँ पे आपको दिए गए हैं 8 नॉब्स,
और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ पे आपको बटन्स दी गई है, जैसे प्रोग्राम चैनल, सीसी, बैंक, और यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट की बटन मिलती है। और यहाँ नीचे फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टोटल 25 कीज मिल जाती है। और बात करूँ मैं फ्रेंड्स की कीज़ की, तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की दी गई है। इनका जो साइज़ है ये मुझे अच्छा लगा। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स साइड में, तो जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके पीसी या फिर लैपटॉप से। साथ ही फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे मिल जाता है एक सस्टेन पैडल लगाने का ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस मिडी कंट्रोलर की, तो ये यूएसबी पावर्ड है, आप इसको यूएसबी से कनेक्ट करके चला सकते हैं। आपको इसमें अलग से एक एसी अडैप्टर लगाकर इसको ऑन नहीं करना पड़ता, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसकी। तो दोस्तों ये रहा मेरा मिडी कंट्रोलर और ये रहा मेरा लैपटॉप, तो अब मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको केबल दी गई है, जो कि आपको मिडी कीबोर्ड के साथ मिलती है फ्रेंड्स, ये वाली, इसको आपको जो है कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो आपका मिडी कीबोर्ड है, उसमें आपको यहाँ साइड पे ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कनेक्ट करने का, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो जो यूएसबी पार्ट है वो आप इसे लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। और जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ग्रीन कलर की लाइट ये ऑन हो जाती है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कीबोर्ड है मिडी कंट्रोलर, ये हमारे लैपटॉप से जो है कनेक्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने लैपटॉप में जो है FL Studio सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, और साथ ही जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये रहा मेरा मिडी कीबोर्ड। तो अब जो है इसको आप जो है अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बता रहा था फ्रेंड्स, ये जो है ये वेलोसिटी सेंसिटिव पैड से, मतलब जितनी तेज़ी से या जितने धीरे आप इसको प्रेस करेंगे उस हिसाब से ये बजेगा, तो इनका भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। और साथ ही ये हमारी जॉयस्टिक यहाँ पे दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो है आप लोगों को पसंद और आपके मन में कोई सा भी डाउट या क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। और साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि केतन अनबॉक्सिंग टेंशन चैनल।